हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मे इट तो जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 को प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने रिलीज़ किया है एंड दिस सर्वे हैज़ बिन रिलीज्ड फाइनली एंड कौन सी सिटी नंबर वन पे थी कौन सी सिटी लास्ट थी और क्या चेंजेस थे इस बार के स्वच्छ सर्वेक्षण में क्या डिफरेंट था लास्ट ईयर से क्यों इस बार का सर्वे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें अपन आज इस वीडियो में देखने वाले हैं वी विल कंप्लीट एवरी रिगार्डिंग स्वच्छ सर्वेक्षण टू वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय द एग्जाम्स मे सिंपल लेट स्टार्ट with the वीडियो। फर्स्ट द बेसिक्स। सबसे पहले हमको जानना है कि ये जो है दो साल 2019 काफी इंपॉर्टेंट ईयर है दो अक्टूबर दो अक्टूबर उन्नीस तक का टारगेट लिया था हमने और हमने कहा था कि हम ओपन डेफिकेशन फ्री हो जाएंगे किसकी है महात्मा गांधी की है नाउ जो मिनिस्टर रिस्पॉसिबल है बेसिकली स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए वो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग

फीचर्स हैं जिनके बेसिस पे सिटीज को रैंक किया जाता है ओके एंड दिस इज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन याद रखेगा जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है वो स्वच्छ भारत मिशन के अर्बन वाले कंपोनेंट के अंतर्गत ये स्वच्छ सर्वेक्षण निकालती है दैट इज अनदर फैक्ट तो पहला राउंड जो निकला था स्वच्छ सर्वेक्षण का दैट वॉज इन टू थाउजेंड सेकंड राउंड वॉज इन टू थर्ड राउंड जो था वो टू का था एंड नाउ जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है इट हैज नाउ कंडक्टेड इट्स फोर्थ सर्वे टू रैंक ऑल द सिटीज अंडर स्वच्छ भारत अर्बन एंड दिसोर्थ राउंड ऑफ टू थाउजेंड नाइनटीन सारे फैक्ट मैंने आपको बता दिए कब से स्टार्ट हुआ अभी चौथा एडिशन आया है दो हजार उन्नीस का मिनिस्ट्री ने जो इसको लॉन्च किया लॉन्च किया है वो नाव वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन अर्लियर एंड द न्यू सर्वेज इन पुराने और इस जो नया सर्वे है इस दोनों में क्या डिफरेंस है मैं अठारह और उन्नीस की बात करूं अगर तो स्वच्छ सर्वेक्षण दो हज़ार अठारह में जो रैंकिंग थी उसमें टोटल जो मार्क्स थे वो फोर थाउजेंड अलॉट किए गए थे जो टोटल मार्क्स अलॉट किए गए थे फॉर द सिटीज़ दैट वॉज टोटल ऑफ फोर थाउजेंड एंड इन स्वच्छ सर्वेक्षण टू थाउजेंड नाइनटीन द टोटल मार्क्स आर फाइव थाउजेंड ओके तो यह पहला डिफरेंस है कि मार्क, मार्किंग में ज्यादा है इस बार का सर्वे दूसरा डिफरेंस क्या है कि इस बार पहले जो था वो सिर्फ सर्विस लेवल प्रोग्रेस देखी जाती थी फिर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के थ्रू दी ये मेथडोलॉजी में डिफरेंस आया है मतलब कि सर्विस लेवल प्रोग्रेस देखी जाती थी अब सर्विस लेवल प्रोग्रेस मतलब अलग अलग सर्विसेज में जैसे कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कितना आगे है एजुकेशन में कितना है हेल्थ सर्विसेज में कितना आगे है तो डिफरेंट सर्विसेज वर देयर एंड उसको थर्टी का वेटेज मिलता था फिर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होता था थर्टी उसका मार्किंग रहता था एंड थर्टी जो मार्किंग रहता था वो फीडबैक ऑफ द सिटीजन इसका रहता था इस बार का अगर हम स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 का देखें तो इस सर्टिफिकेशन तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इतना टेक्निकलिटी में कोई इंटर करके आपको नहीं बताएगा क्योंकि आई द इंटायर सर्वे मैंने अस्सी पेज का सर्वे का इस बार टूल किट स्पेशल रिपोर्ट आई थी थिंग तो एंड उसमें काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखना है ओके okay? सो so, याद रखेगा कि सर्टिफिकेशन को 25 परसेंट दिया गया जिसमें कि स्टार रेटिंग या आपकी सिटी ओडीएफ है ओडीएफ प्लस की तरफ है या ओडीएफ प्लस प्लस है इन स्टार रेटिंग्स को इस बार मार्किंग में 25 परसेंट का वेटेज दिया गया है देन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन सिटीजन फीडबैक एंड सर्विस लेवल प्रोग्रेस एज इट इज जैसे पहले थी वो थी इस बार इंक्लूजन नया हुआ है सर्टिफिकेशन का वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि पिछले सर्वे और इस बार के सर्वे में क्या डिफरेंस है पहला मेथडोलॉजी में डिफरेंस है पहले केवल तीन चीजें दिखी जाती थी सर्विस लेवल प्रोग्रेस जैसे मैंने बताया कि अलग अलग सर्विसेज एजुकेशन हेल्थ डिफरेंट सर्विसेज वर देयर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड सिटीजन फीडबैक बट दिस टाइम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन सर्विस लेवल सिटीजन प्लस सर्टिफिकेशन जिसमें ओडीएफ ओडीएफ प्लस प्लस एंड स्टार रेटिंग ये सारी इंक्लूड की गई है ना इवोल्यूशन अगर हम देखें स्वच्छ सर्वेक्षण का तो 2016 में जो पहला एडिशन था तो उसमें 73 सिटीज वर टेकन एंड इसमें मैसूरु नंबर वन था देन 2017 का देखें तो 434 सिटीज वर देर इंदौर नंबर वन था देन 2018 में भी 4203 सिटीज इंदौर नंबर वन था एंड दिस टाइम ऑल द सिटीज जितनी बस सिटीज हैं उन सबको इंक्लूड किया गया एंड इंदौर वॉज नंबर वन तो लगातार तीसरे साल इस बार इंदौर नंबर वन रहा है दिस इज द हैट्रिक फॉर इंदौर ओके okay? अब हम आ जाते हैं स्पेशल हाईलाइट इस बार की कुछ जैसे कि इट वॉज द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्लीनलीनेस सर्वे सारी सिटीज को इंक्लूड किया था इसलिए इट वॉज द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्लीनलीनेस सर्वे एंड फोर थाउजेंड टू हंड्रेड थर्टी सेवन सिटीजर कवर्ड अंडर दिस एंड ये सर्वे जो अट्ठाइस दिनों में कंप्लीट किया गया फोर थाउजेंड टू हंड्रेड थर्टी सेवन सिटीजर इंक्लूडेड जीएफसी स्टार रेटिंग ओडीएफ ओडीएफ प्लस ओडीएफ प्लस प्लस इंक्लूड किया गया तो ये सर्टिफिकेशन जो मैंने पॉइंट बताया था वो इंक्लूड किया गया दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मेक श्योर यू रिमेंबर दिस मिनिस्ट्री का नाम याद रखेगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड स्वच्छ सर्वेक्षण टू थाउजेंड

भोपाल एंड उज्जैन जो था वो थ्री लैख टू वन मिलियन कैटेगरी में क्लीनेस्ट सिटी था उज्जैन एमपी का स्पेशल ये भी जिला है एमपी का एंड डिवीजन भी है उज्जैन डिवीजन भी है इट इज क्लीनेस्ट सिटी इन थ्री लैख टू वन मिलियन कैटेगरी

जो सिटीज और टाउन ओडीएफ स्टेटस अचीव कर चुके हैं वो आगे किस तरीके से मूव करें और किस तरीके से अपनी सस्टेनेबिलिटी रहे उसके लिए उनको मूव करना पड़ेगा ओडीएफ प्लस एंड ओडीएफ प्लस प्लस की तरफ तो उनके गाइडलाइंस अ वेब पोर्टल दैट है मोटिव टू ब्रिंग टूगेदर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स अंडर वन रूफ एंड इट इनकरेजेस लार्ज स्केल सिटीजन पार्टी तो so, स्वच्छ मंच भी एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका मोटिव क्या है डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को एक छत के नीचे लाना और सिटीजन पार्टीपेशन को बढ़ाना सो दीज आर द इम्पॉर्टेंटें फैक्ट्स रिगार्डिंग द स्वच्छ सर्वेक्षण टू थाउजेंड नाइनटीन थोड़ा टेक्निकालिटीज है मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि अगर डीप क्वेश्चन आ जाता है तो आप करने में सक्षम रहे सो दैट इज द एम बिहाइंड दिस वीडियो आई होप यू लाइक डस प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब थैंक यू फॉर वॉचिंग थैंक यू एंड अर नाइस्टे कीप शेयरिंग